हेलो फ्रेंड्स, ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में रेगुलर बेसिस पे जो जॉब्स निकली हुई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लोजिंग डेट की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 20 फरवरी 2019 यानी 20 फरवरी 2019 इसकी लास्ट डेट है। अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो अभी चल रहा है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से जो आपको विंडो देखने को मिलेगी, जिस तरीके से आप IBPS का फॉर्म अप्लाई करते हो सेम टू सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आपका नाम कन्फर्म नेम कर देना है, मोबाइल नंबर कन्फर्म मोबाइल नंबर, इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इन सारे डिटेल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशंस की। तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको ONGC की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको करियर का कॉलम दिखेगा और यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस पे आपको क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट नोटिस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको ओपन होने देते हैं और यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 1 फरवरी 2019 को भी कुछ नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, यहाँ पे 31 को भी आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं ये है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन रेगुलर बेसिस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके पहले हम लोग कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन की स्टडी कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन रहा ऊपर, इसको आपको क्लिक कर देना है और इसे डाउनलोड करके जो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ बेसिक नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग लेवल की पोस्ट है। नीचे आ जाना है आपको, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट है, SC की 1 है, ST की 2 है, UR की यहाँ पे 16 नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है केमिस्ट्री में तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नीचे आ जाना है आपको, आपको मात्र यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखना है कि आप जो है आपका क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपका हो चुका है तब भी आप कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपका हो चुका है तब भी आपको जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 38 है। असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका हो चुका है तो। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपका हो चुका है तभी जो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। असिस्टेंट टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो SC की हो, ST की हो, OBC की हो या UR की हो, काफ़ी सारी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, ये सारे डिटेल्स आपको पढ़ लेना है क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट है, काफ़ी सारे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है, तो एक बार ही आपको ऑफिशियली यहाँ पे जाके वेबसाइट पर जाके आपको चेक करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से रिडायरेक्ट हो जाओगे आप इस पेज पर। ठीक है, होम पे आपको चले जाना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया हो, करियर में जाके रिक्रूटमेंट नोटिस पे आपको जाना है। कुछ इसी तरीके के फॉर्म आप अप्लाई करा करिए ताकि जो है आपको जॉब लगने के जो चांसेस है इस टाइप के रिक्रूटमेंट में जो है जॉब लगने के चांसेस काफ़ी बेहतरीन होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, नीचे आ जाना है आपको और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट यहाँ पे भी दिया गया है। BCOM अगर आपका हो चुका है तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा ये जॉब होगा। अगर यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और टाइपिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी है 30 वर्ड पर मिनट की और अगर आपके पास में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो जो है आप जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, 29 नंबर ऑफ यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टेनो आपका अगर हो चुका है इंग्लिश में तब भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। UR के लिए यहाँ पे 1 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे 1 ही नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 1 ही नंबर ऑफ यहाँ पे पोस्ट है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी होती है आपको जॉब लगने की, एक वैकेंसी में भी जॉब लगती है कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो आप अप्लाई करिए, अगर आप इलिजिबल हो तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिए। अगर आपका फायरमैन का अगर सर्टिफिकेट कोर्स हो चुका है तो तब भी आप जो है जूनियर फायरमैन पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से नोटिफिकेशन है, आपको डिटेल अगर देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये रेगुलर बेसिस पे है। अगर मैं आपको दिखा देना चाहूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पाओगे रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स ऑन रेगुलर बेसिस। इस टाइप के रेगुलर बेसिस यानी गवर्नमेंट जॉब सरकारी जॉब की नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और आपके सुझाव आप हम तक पहुँचा सकते हो कमेंट बॉक्स के जरिए। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़।